सो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप दैट यार आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज फिर यार मैं आ चुका हूँ व्हील्स ऑफ वर्ल्ड, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। आज यार अपन लोग दो गाड़ियों का शूट करने आए हैं, दोनों गाड़ियाँ सेम हैं। कौन सी गाड़ियाँ हैं आपको चाबी दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ये देख लो भाई, आज अपन आ चुके हैं भाई मर्सिडीज़ की CLA कवर करने। तो भाई यार गाड़ियां दिखाने से पहले आप लोग यार इनकी देख लो कीज। ऐसी कुछ यार आप लोगों को कीज मिल जाती है मर्सिडीज CLA की। एक है इसकी रेड वाली की और एक है यार उस वाइट वाली की। सबसे पहले यार मैं रेड वाली की बात करना चाहूंगा। रेड वाली यार बहुत ही सुंदर लग रही है मर्सिडीज़ में। आप लोग भी जानते हो रेड कलर जो आता है यार बहुत ही प्यारा लगता है। चेरी रेड कलर बोलते हैं मेरे हिसाब से यार इसको, देख सकते हो। सबसे पहले यार आप लोग देख लो इसकी फ्रंट लुक। फ्रंट में देख सकते हो यार ये मर्सिडीज़ का लोगो है। अच्छी सी ग्रिल है, दो LED हेडलैम्प्स है विद DRLs, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई। अब एक बार यार पूरी गाड़ी का एक बार वॉक अराउंड देख लो आप लोग। ये देख लो यार, ये है इसकी साइड प्रोफाइल, देख लो। एक बार यार बैक पे चलते हैं अपन, आओ। ये है यार इसकी कुछ बैक लुक। बैक से भी यार देख सकते हो काफी स्लीक सी कार है। इसके LED टेल लैंप्स देख सकते हो, टेल लैंप्स भी यार काफी सुंदर होते हैं। मैं आप लोगों को एक बार यार ऑन करके भी दिखा दूंगा, ये देख लो। बात करी जाए इस कार के अलॉय व्हील्स की, तो देख सकते हो यार आप लोगों को डुअल टोन में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं 17 इंचेस के। काफ़ी सही अलॉय व्हील्स हैं। एक बार यार गाड़ी को ओपन कर लेते हैं अपन। ये देख लो गाड़ी यार ओपन हो जाती है। एक बार यार यहाँ पे इंडिकेटर भी ब्लिंक होता है जब आप यार ओपन करते हो कार को। इसका एक बार यार अपन लोग इंटीरियर चेक कर लेते हैं। देख लो यार गाड़ी को ओपन करूँगा ना मैं, देखो यार इसका गेट खोलूँगा ना तो आप देखना साइड मिरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और देख लो भाई इसमें फ्रेमलेस डोर्स मिल जाते हैं आप लोगों को। जैसे ही आप गेट को ओपन करते हो ये मिरर जो है थोड़ा सा डाउन चला जाता है कि आप आराम से यार इसको खोल पाओ। ये देख लो, ये देख सकते हो यार आप लोग मर्सिडीज बेंज की बैजिंग की हुई है। यहाँ पे देख सकते हो यार सारे सीट के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है सीट इन बटन से सिर्फ। एक बार यार मैं आप लोगों को बैठ के दिखा देता हूँ। तो भाई यार बैठ के देखते हैं इस कार में यार कैसी फील है। देख लो भाई जो मैं आपको बता रहा था ना, इससे यार आप लोग अपनी सीट आराम से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। देखो जैसे सीट अभी पीछे जा रही है, आगे कर सकता हूँ, इसको आगे करना हो तो यार इसको भी आगे कर सकता हूँ आराम से। आप लोग यार इन बटन्स के थ्रू अपनी सीट को कंट्रोल कर सकते हो। यार में यार आप लोगों को ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। उस वाली में जो है वो दूसरे कलर का इंटीरियर है, इसमें यार ब्लैक कलर का इंटीरियर है, देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत यार वाइट का टच दे रखा है। यहाँ पे यार AC वेंट्स जो है उस पर सिल्वर का टच है। यहाँ पे एक यार टच स्क्रीन म्यूजिक डिस्प्ले है। यहाँ पे देख सकते हो यार आप लोग सारे वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे यार सारे AC के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे यार आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाती है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी यार आप लोगों को थोड़ी स्टोरेज मिल जाती है। ये देख लो यार ये है इसका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में भी यार आप लोगों को चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं और डिसेंट साइज की स्पेस मिल जाती है। यार इसका गेट बंद करूंगा ना, देखो ये मिरर यार ऑटोमेटिकली ऊपर भी चला जाएगा। एक बार यार अपन चलते हैं ड्राइविंग सीट पे। देखो भाई स्टेयरिंग पे भी यार आप लोगों को सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, देख लो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे यार स्पीडोमीटर ओडोमीटर वो सब है। ये देख लो 37,712 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ पे सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं, पार्किंग ब्रेक है यहाँ पर। और भाई ये देख लो ये है इसका सनरूफ। सनरूफ जो है काफ़ी बड़ा सनरूफ है इसका, दो जने यार निकल सकते हैं आराम से अगर निकलना चाहें तो।
यहाँ पे भी यार आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाती है डैशबोर्ड के नीचे, आप लोग चाहो तो यार कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। ड्राइवर साइड में भी यार आप लोगों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारे विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बूट ओपन करने का स्विच यार यहाँ पर दिया गया है ड्राइवर साइड वाले गेट पे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। एक बार यार पीछे बैठ करके देखते हैं पीछे की कैसी स्पेस है। देख सकते हो भाई पीछे भी आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है लेग रूम की। थोड़ा सा यार हेड रूम का इशू है मुझे, क्योंकि यार मैं 6 फुट का बंदा, बाकी तो यार सही है। यहाँ पे देख सकते हो यार आप एक आर्मरेस्ट भी दे रखा है आप लोगों को कि आप लोग यार कंफर्टेबली बैठ पाओ। पीछे की साइड में भी यार आप लोगों को एक लाइट दे रखी है, और भाई आगे भी देख सकते हो यहाँ पर यार आप लोगों को लाइट्स दे रखी है कि कभी यार आप लोगों को रात में कुछ काम वगैरह हो तो यार आप लोग लाइट्स को यूज कर सकते हो। बात करें यार बूट स्पेस की, तो एक बार यार मैं बूट खोल देता हूँ। ये देख लो बूट, आप एक बटन दबाओगे, ये देख लो ये वाला, फिर बूट अपने आप खुल जाएगा। बूट स्पेस यार इतनी नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे यार एक स्पेयर व्हील भी आ जाता है, तो इतनी स्पेस नहीं है, पर यार आप लोग 2 लगेजेस तो आराम से कैरी कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो वे यार अभी आप लोगों ने ये वाली कार तो देख ही ली है, एक बार यार आप लोग इस कार का भी वॉक अराउंड देख लो। इसमें भी यार आप लोगों को सेम हेडलैम्प्स और सेम टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी का इंटीरियर जो है वो अलग है उस गाड़ी से, तो अपन लोग यार एक बार इस गाड़ी का भी इंटीरियर चेकआउट करते हैं। ये देख लो भाई, इस गाड़ी में यार आप लोगों को बेज कलर का इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। यार ये इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लग रहा है उस वाली गाड़ी के हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो। फीचर्स तो यार इस गाड़ी में भी और उस गाड़ी में भी बिल्कुल सेम ही है। ये गाड़ी यार देख सकते हो 56,321 किलोमीटर्स चली हुई है, उसके भी यार मैंने आप लोगों को किलोमीटर्स दिखा दिए थे। बाकी तो यार इसमें भी बिल्कुल सेम ही है यार, इस गाड़ी का इंटीरियर बेज कलर का है और उस गाड़ी का यार ब्लैक कलर का है। गाड़ी में यार एक और एडिंग है, इसमें देख सकते हो यार एक स्पॉयलर ऐड करा रखा है कार्बन फाइबर वाला, काफ़ी सही लग रहा है और यार इसकी लुक को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हेंस कर रहा है, देख सकते हो। अलॉय व्हील्स यार दोनों कार में सेम ही है। गाड़ी यार देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है, ये देख लो यार ये है इसके कुछ हेडलैम्प्स। एक बार यार आप लोगों को इसके टेल लैम्प्स भी दिखा देता हूँ, ये देख लो यार ऐसे कुछ यार CLA में आप लोगों को टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। देख लो यार अब इस गाड़ी की सनरूफ ओपन करी है अपन लोगों ने, काफ़ी अच्छी स्पेस है यार देख सकते हो। ये वाली जो CLA है ये है यार 2018 मॉडल, और ये वाली CLA 2019 मॉडल है। अगर यार आप लोग इनमें से किसी के लिए भी इंक्वायर करना चाहो, दोनों हैं अवेलेबल फॉर सेल। अगर आप लोग यार किसी के लिए भी इंक्वायर करना चाहो तो आप लोग यार कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हील्स ऑफ वर्ल्ड को, इनकी सारी डिटेल्स जो है मैंने यार डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी यार मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।